चल किसी डायरेक्ट। हेलो गाइस, मैं फिर से आ गया हूँ मेरा यूट्यूब चैनल पर। आपके सब सभी का स्वागत करता हूँ स्टे हेल्दी विद एनी फिटनेस चैनल पर। आज का एक नया वीडियो होगा, वो बैक के लिए होगा, बैक एक्सरसाइज। मैं जैसे बोला आप लोगों को कि ये एक बिगिनर सीरीज है, सो नए नए जिम में ज्वाइन किया है उन लोगों के लिए है। पिछले वाला मेरा जो चेस्ट वाला वीडियो है, फुल कंप्लीट चेस्ट वर्कआउट मेरे चैनल पे है, जाके एक बार चेक कर लो, देख लो, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक बटन दबा दो। ज़्यादा बात करते नहीं, आज भी चले आते हैं मेन एक्सरसाइज पे, बैक के लिए। हमारा बैक का जो टारगेट मसल होगा ये बैक वाला, ये हमारा टारगेट मसल होगा। सेम रिपीटेशन रहेगा 12, 10, 8। ये जो बिगिनर है, ये मैं पहले जो एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ ये होगा चिन अप, ठीक है। सबको नहीं आता है, पहले इंटर किया है, बैक में उतना प्रेशर नहीं रहता है कि अपने आप को अंदर ऊपर लेके जाए, इसमें उतना प्रेशर नहीं रहता कि इसमें प्रेशर ले ले। मैं दिखाता हूँ कि कैसे करना है इसको। बहुत सारे जिम में ऐसे स्ट्रेट बार भी हैं, ऐसे कार्ड भी है, तो वही आपको अवेलेबल नहीं जाएगा जगह पर, हर जिम में। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ये वाला जो ग्रीप है, ये ग्रीप अच्छा रहता है आपके लिए। और ये जो ग्रीप रहता है ना, इसमें आपका जो प्रेशर एकदम बना रहता है, हमेशा आर्म्स के अंदर ही रहता है, इसके अंदर, फोरआर्म्स के अंदर और बैक के अंदर जाता है हमेशा। देख लीजिए कैसे करना, अगर आपको नहीं आता ऐसे करना है, आपका शोल्डर के अकॉर्डिंग बैक लेना है, जो आपका जो पकड़ रहा है या फिर शोल्डर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन होता है कि बहुत सारे जो ट्रेनिंग करते हैं वो ऐसा भी करते हैं कि ऐसे हाथ छोड़ के ऐसे करके मेरा बैक ज़्यादा वाइड होगा, ऐसे नहीं होता, कभी नहीं होता ऐसा। मैं ज़्यादा फैला के पकड़ूंगा तो मेरा बैक वाइड सा ऐसे होगा। देखिए अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग ऐसे पकड़ना है, आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, मैं सभी ऐसे रखते हैं। और जो ये नहीं कर पाते हैं कि क्योंकि उनका बैक में उतना स्ट्रेंथ नहीं रहता है, फोरआर्म से जिसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं रहता है कि वो एक बार में खींच के ऊपर जाए, तो आप किसी का सपोर्ट ले लीजिए, या फिर पहले 1 या 2 वीक्स तक आप ये प्रैक्टिस करें, ऐसे झूले रहे आपको जितने देर तक मतलब आप झूल सकते हैं ऐसे झूल के, आपका प्रेशर आएगा जिसमें हार्ट झूल नहीं आने सर। ये देखिए जैसे ये कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेंथ है, बैक की स्ट्रेंथ है, बीच में भी है, फोरआर्म से भी है, ठीक है। पहले आप लटकते रहिए, लटकने के बाद पहले वो कोशिश करिए कि आप जितने देर तक हो सके करके प्रैक्टिस करो, ताकि आपका स्ट्रेंथ बीच में है। नेक्स्ट जो आएगा, सेकंड जो एक्सरसाइज होगा हमारा, ये आपका बैक में मसल भी गेन कराएगा और कट्स भी लाएगा, दोनों एक साथ आएगा। इसका भी लोगों का बहुत कन्फ्यूजन रहता है, ये कैसे मैं पकड़ूँगा, एकदम बाहर जाके ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे जोस करके पकड़ के करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होगा आपका जो ये रॉड रहता है, इस रॉड के अंदर यहाँ पे एक कार्ड रहता है जहाँ पे आके ये बेंड होता है, ये देखिए ये जो बेंड होता है ना ये कार्ड, अच्छा होगा कि आप यहाँ पे अपने हाथ में बैठिए, अपना बैक लोअर बैक को स्ट्रेट रखिए, अपर बैक को थोड़ा आर्च करिए, स्क्वीज करिए अपने मसल को, स्क्वीज करिए ऐसे ऐसे ऐसे, फिर मिडिल चेस्ट तक लाना है। ये जो मिडिल चेस्ट है इस
इधर तक लाना है और आपका जो बैक और भी बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने ऐसे करती हूँ ऐसे पकड़ के बैठना उतना वेट लाता नहीं कि मैं वो कैरेक्टर से वो ऐसे करते ऐसा कभी नहीं करना है, मछली रहने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और आपका युवा जब भी ये हमारा जिम भी आ गया ना, जिम भूल जाओ फिर तीन चार महीने के लिए आराम से भूल जाओ, ऐसे नहीं चलना हमेशा पोस्टर के साथ। लोअर बैक अंदर चलेगा, अपर बैक थोड़ा आर्च होगा, मिडिल चेस्ट तक लेके आना, थोड़ा होल्ड फिर रिलीज, होल्ड रिलीज स्क्वीज करना है बेसिकली, ताकि आपको बैक बैक स्क्वीज होता है, आपको माइंड के साथ कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर हमारा दूसरा थर्ड एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, ये भी आपका होगा, आपका जो चेन पुलअप्स है, जो आप पुलअप्स मैंने पहले एकदम दिखाया, वो पहले अगर सभी को नहीं आता है ठीक से, तो आप पहले लटकते रहिए ऐसे ही पकड़ के, धीरे धीरे इसका स्ट्रेंथ इंक्रीज करिए, अपना बॉडी को धीरे धीरे ऊपर लेते जाइए, जितना हो सके जितना हो सकता है आपके आपके साथ ट्रीटमेंट आप करिए, लेकिन ये ना जो आएगा इसमें जो आएगा आपका वेट के अकॉर्डिंग लेना है, जैसे 12, 10, 8 ये तीन सेट निकल जाए, टारगेट जो क्या है आपका वो करना चाहिए। थर्ड एक्सरसाइज हमारा जो होगा, थर्ड एक्सरसाइज करने से पहले हमेशा आपके जिम में ये ऐसा बेल्ट हो सकता है, अगर नहीं हुआ तो आप खुद के लिए खरीद लीजिए, बैक को हमेशा सपोर्ट देता है, इसमें आपको बैक की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हम ये जो करने वाले हैं इसका नाम है बारबेल एक्सरसाइज के नाम है बारबेल रो, ठीक है। इसमें आपका क्या होगा, आप ये जो हमारे बैक है, ये जो बैक पोर्शन आएगा जो आपका मसल है, ठीक है, बैक में मसल आएगा और मसल कट्स भी आएगा, दोनों में काम करता है ये, बेसिकली मसल एंड स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइज है, मसल बिल्ड करेगा स्ट्रेंथ बिल्ड करेगा। तो ग्रिप देख लीजिए पहले, बहुत वाइड करके ऐसे नहीं करना है जिधर कि आपका बैक ब्रॉड होगा, नहीं होता है, बहुत नैरो ग्रिप करके भी नहीं है वो भी गलत है, लेकिन आपको जो करना है अपने जो शोल्डर के अकॉर्डिंग थोड़ा बाहर अपना वेट, ये जो बारबेल है बारबेल को पकड़ना है थोड़ा बाहर ऊपर में आना, ऐसे अपने बॉडी को आर्च करना, अपना जो बैक है वो बैक को थोड़ा बाहर की तरफ प्रेस करना है, और ये जो बॉडी है इसको आर्च बनाना है, आर्च बना के स्लो, ठीक है, स्लो करना है, ये भी आपको स्लो ही करना है, ये जब आप आर्च बना के ऐसे एकदम बैंड होकर भी ऐसे नहीं करना है, फास्ट नहीं करना है, ऐसे स्लो भी नहीं करना है, इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे अपने बॉडी के अकॉर्डिंग आर्च करना है, ताकि आपका बैक जो है पीछे की तरफ स्क्वीज हो पाए। ये हो गया हमारा बारबेल रिंग, ऐसे आपको परफॉर्म करना है बारबेल रिंग, फिर आ जाता है इसका बैक सेगमेंट का डंबल रिंग की तरफ, आपके वेट के अकॉर्डिंग वेट चुनिए, कि आप बगल वाले जो बंदा एक दिन बैक किया है वो 20 किलो से किया है, मेरे को 25 किलो 20 किलो से करना है, नहीं होगा, पहले बैक के अंदर आपका थोड़ा स्ट्रेंथ बिल्ड करना पड़ेगा, आपका जो बॉडी है ये बॉडी के अंदर पहले स्ट्रेंथ बिल्ड करना, पूरा पूरा स्ट्रेंथ लाइन वेट आप कैरी कर सकते हैं, एक महीने बाद भी आप फिर कैरी कर पाएंगे जब आपके बॉडी के अंदर अच्छा अच्छा स्ट्रेंथ आ जाएगा, ठीक है। अब डंबल रिंग देखते हैं कैसे करते हैं, मेरे को ये अच्छा लगता है जिसमें मैं ये बहुत सारे को दिखा रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे भी करते हैं, ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे भी करते हैं, गलत नहीं है ये भी गलत नहीं है, सही है, लेकिन मेरे को इफेक्टिव ज़्यादा, मैं अभी जिस दोस्त जिस पोस्चर पे कर रहा हूँ ये मेरे को ज़्यादा इफेक्टिव लगता है, ऐसे नहीं होता है, एक पैर पीछे बॉडी थोड़ा आर्च की तरफ जाएगा ऐसे, ये जो डब्बे तक सामने से पीछे खींचना है, ठीक है, ऐसे बैक की तरफ,
करके थोड़ा कम हो एकदम स्लोली रिलीज करना है सर। आपके अकॉर्डिंग करना चाहिए। इसमें क्या होगा आपका ये पोर्शन भी फेंट हो जाएगा, जो लेट पोर्शन है लेट पोर्शन भी फेंट हो जाएगा, वहाँ से भी करेगा। और इसमें ध्यान रखना कि ये शोल्डर के प्रेशर से ना तुले आप, शोल्डर या अपने आर्म्स के प्रेशर से ना तुले। और सर बैक की ये जो पोर्शन है इसको ही टारगेट करिए, ये मस्ट ही टारगेट करिए, क्योंकि ये बैक इसमें बैक ही टारगेट करिए। आपको बढ़िया से बढ़िया पंप आएगा, कार्ड्स भी आएगा, मसल भी ग्रो होगा, स्ट्रेंथ भी बिल्ड होगा। मैंने जो इतने सारे एक्सरसाइज दिखाया, पहले आपको करना है पुलअप्स, चेन पुली, ग्रिप्स यहाँ पे लाना है, एकदम वाइट नहीं पकड़ना है, फिर बारबेल रोइंग, डंबल रोइंग, एकदम मेन आपको करना है डेडलिफ्ट तीन काम करते हैं, एक बैक के दिन बैक, जो आप जिस दिन आप बैक करेंगे उस दिन आपको करना चाहिए, और जिस दिन आप लेग्स करेंगे उस दिन करना चाहिए। क्यों? डेडलिफ्ट करके स्ट्रेंथ हमेशा हाई की तरफ रखता है, और डेडलिफ्ट आपको पता है हम मेंस के अंदर एक टेस्टोस्टेरोन बोल के एक चीज़ होता है, डेडलिफ्ट एक ऐसा एक्सरसाइज है जो टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करता है। ठीक है, फायदा तीन, एक आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो नेचुरली बूस्ट होता है, सेकेंड आपका जो लोअर बैक है ये लोअर बैक की तरफ एक कार्ड आता है, लोअर बैक स्ट्रांग होता है, थर्ड आपका जो हैमस्ट्रिंग के पास जो बोन्स है ये भी स्ट्रांग होता है। ठीक है, सेम डेडलिफ्ट वैसे करना है, लेकिन मेक श्योर बेल्ट पहनना चाहिए आपको, कुछ भी वेट कैरी करिए पहले बेल्ट पढ़ लीजिए पहन लीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियो अभी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा जो 180 केजी 190 केजी कैरी कर रहा है लेकिन कमर में कोई बेल्ट नहीं है। वैसे बहुत खतरनाक हो सकता है ये आपके लिए। शोल्डर के अकॉर्डिंग वेट पकड़ना है ऐसे, बैक को पीछे की तरफ थोड़ा प्रेस करना है, जीने होते हुए नीचे प्रेस। ठीक है, ये करके आपको कंप्लीट करना चाहिए, बैक की एक्सरसाइज कंप्लीट कर देना चाहिए। ज़्यादा वेट गेन करने की या ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, जितने दिखाया आप लोगों को इतना ही परफेक्ट पोस्चर के साथ करिए। अगर आपको रिजल्ट नहीं आया तो मेरे को बोलना। ठीक है, कम से कम एक महीना इसको फॉलो करिए, चैनल में वीडियो आ जाएगा, मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूँगा इसको, और चैनल को सब्सक्राइब करिए अच्छा लगता है वीडियो को तो, और लाइक करिए। थैंक यू।